आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं चार्ट, और चार्ट के अंदर हम फॉर्मूले का यूज करना सीखेंगे। चार्ट के अंदर हम फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे चार्ट को ऑटोमेट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। देखिए, चार्ट के अंदर फॉर्मूले नहीं कर सकते, लेकिन चार्ट जब भी बनता है एक फॉर्मूले से होता है, क्योंकि एक्सेल के अंदर में कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लिंक होता है डेटा से, तो एक किसी न किसी फंक्शन से होता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्वार्टर और सेल्स का यहाँ पे एक छोटा सा डेटा मैंने बनाया है, इसलिए Q1 है। और यहाँ पे सेल्स दिया। अब इसको मैं सिलेक्ट करता हूं, और सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए मैं अपना पाई चार्ट ही बनाता हूं। ये रहा पाई चार्ट। अब इस पाई चार्ट के अंदर में जब हम पाई पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर देखिए यहाँ ब्लैंक दिख रहा है, लेकिन जैसे ही पाई पे क्लिक करेंगे या किसी भी चार्ट के सीरीज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो ऊपर देखिए सीरीज का फॉर्मूला है। अब सीरीज का फॉर्मूला क्या करता है, इसको जान लें। सबसे पहला सीरीज का फॉर्मूला यहाँ दिख रहा है, जिसमें ए आपका आता है टाइटल, लेजेंड कह लीजिए। दूसरा आता है ए आपका एक्स एक्सिस, जो आपका एक्सिस होता है Q1, Q2, Q3, ए आता है। और जो तीसरा होता है, वो तीसरा जो होता है आपका, वो होता है जिससे आपका सीरीज डेटा सीरीज बनता है। और चौथा आता है पोजीशन। तो ये पोजीशन समझ में नहीं आएगा, लेकिन हाँ इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे कि मैं टाइटल में देना चाहता हूं कि जो ईयर चल रहा है वो ईयर का यहाँ पे टाइटल ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ हमने ईयर का फॉर्मूला इक्वल करके ईयर का फॉर्मूला लगाया। ईयर फॉर्मूले के अंदर मैंने टुडे का लगाया, इंटरप्रेट किया, देखिए यहाँ पे 2023 आ गया। अब इसके साथ हम कुछ मैसेज भी लिखना चाहते हैं कि क्वार्टरली सेल्स रिपोर्ट, और यहाँ डैश, और एन परसेंट करके एंटर मार। अब मैं चाहता हूं कि ये जो है ना यहाँ पे शो, तो इस पे क्लिक कीजिए, और जहां पे B1 लिखा हुआ है ना, इस B1 को कीजिए डिलीट, और यहां सेलेक्ट कर लीजिए इसको। तो अब क्या होगा कि ऑटोमेटिक अगला साल जो है ये आपको 2024 दिख जाएगा, इस सेल से लिंक हो गया। ठीक है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि हमें जो है यहाँ पे Q1 Q2 नहीं, यहाँ पे मैं खुद से लिखना चाहता हूँ, तो कर्ली ब्रैकेट में आप यहाँ पे खुद से दे दीजिए जो डेटा है। जैसे कि मैं यहाँ पे Q1, Q2, Q3, Q4 एंटर प्रेस कीजिए। अब देखिए इसके हिसाब से हो गया। फिगर भी अपने हिसाब से डालना चाहते हैं तो फिगर भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं। लेकिन मतलब है कि आपको चार्ट लगाने के लिए डेटा रखने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं चाहता हूं कि डेटा मेरे दिमाग में है, और मैं डेटा किसी सेल पे ना रख के डायरेक्ट चार्ट के अंदर ही रखना चाहता हूँ, तो हम रख सकते हैं। हम यहां जाएंगे, एक ब्लैंक चार्ट इंसर्ट कर, और इसके ऊपर राइट क्लिक करके जाते हैं सिलेक्ट डेटा। सिलेक्ट डेटा में यहां पे ऐड डेटा लेवल करते हैं, ये ऊपर आपका आ जाता है। जैसे मैं यहां पे लिख दिया सेल्स डेटा 2023, ये आपका हेडिंग हो गया, और नीचे आप अपने फिगर दे दीजिए कर्ली ब्रैकेट में। जैसे कि 50, 56, 57, 58, 24, सॉरी, और यहाँ पे ओके कीजिएगा, तो देखिए उसी हिसाब से चार्ट यहाँ बन गया। अब फिर जाए Q1, Q2 के लिए एडिट कीजिए, बट यहाँ पे आपको सिंपली लिखते चले जाइए, यहाँ पे इनवर्टेड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब बोलेंगे सर इसका यूज कब होता है, लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं, कई बार चार्ट को पावर पॉइंट में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां डेटा के साथ लिंक बन जाता है, या तो पिक्चर में डालना पड़ता है या फिर डेटा के साथ लिंक बन जाता है।
तो उस केस में हम वो डेटा, अगर छोटा मोटा डेटा है तो उसी के अंदर, चार्ट के अंदर ही डालते हैं। क्लियर है? अब चलिए जानते हैं जो एक और चीज जानते हैं, जो यहां लास्ट में वन आता है, उस वन का क्या काम। तो इसके लिए मैं यहां पे लिखता हूं नेम। तो मान लीजिए दो है, पूजा एंड मोहन, इसके मंथली सेल्स है और रैन बिटवीन के लगा के हम क्या करते हैं यहाँ पे रैंडम नंबर ले लेते हैं। और इसके ऊपर मैं कॉलम चार्ट लेता हूं, लेता हूं कॉलम चार्ट। जब मैंने कॉलम चार्ट लिया तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसमें दूसरा जो है ना मोहन है और पहला क्या है पूजा है। तो मैं अब पहले पूजा आ रहा है फिर मोहन आ रहा है, फिर याद है कि नहीं, पहले मोहन का देना है फिर पूजा का देना है। तो यहां सीरीज में पहले पूजा ना आके पहले मोहन फिर पूजा आना चाहिए। तो डेटा चेंज करें? नहीं, जरूरी नहीं है, बस मोहन वाले पे क्लिक कीजिए, जो टू आ रहा है ना इसको कर दीजिए वन, तो पहले पोजीशन पे आ जाएगा आपका। तो ये जो होता है ना, जब हमारे पास कई सारे कॉलम्स होते हैं, सीरीज होते हैं, तो उसका पोजीशन नंबर होता है। जैसे मान लीजिए कि मोहन के साथ यहाँ पे मान लीजिए कि एक और नाम ऐड कर देता हूँ, कविता ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे हम यहाँ पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट डेटा करते हैं और यहाँ पे हम एक और ऐड करते हैं कविता का डेटा, कविता यहाँ रख देते हैं। और कविता का डेटा के लिए हम यहाँ पे कविता का डेटा सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह से, देन ओके। तो अब देखिएगा, आपका मोहन पहले पे है, पूजा आपका दूसरे पोजीशन पे है और कविता तीसरे पोजीशन। तो मुझे कविता को दूसरे पोजीशन करना है, यहाँ पे वी को टू बना दीजिए, कविता दूसरे पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में टू समझ में आ गया। तो पोजीशन चेंज कर सकते हैं बट जी फॉर्मूला में कर रहा हूँ। जी बिल्कुल बढ़ गया। जी उसी पे क्लिक करना है, जो क्लिक करेंगे तो उसका उसको फॉर्मूला आएगा, फॉर्मूला को चेंज कर दीजिए। समझ गए? अब यहां पे क्वेश्चन आता है कि कई बार हमारा काम जो है एक्सेल के फॉर्मूले से, क्या बोलते हैं, चार्ट के अंदर फॉर्मूले से नहीं होता है, कई बार हमें खुद फॉर्मूले करने पड़ते हैं। अब रीजन ए, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नेम वाइज सेल्स का डेटा है, ठीक है। अब मैं यहां पे कंडीशनल कलर देना चाहता हूं कि कलर जो है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि सॉरी इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद अगर हम इंसर्ट में आते हैं और इंसर्ट में आने के बाद अगर हम इसको लेते हैं तो क्या होता है, यहां देखिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ, इसमें प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं चाहता हूं कि मेरा जो हाईएस्ट वाला पॉइंट है ना एक ग्रीन हो। तो चलो मैं डबल क्लिक किया और इसके ऊपर जाके ग्रीन कलर दे दिया, बट ग्रीन ये तो वन टाइम के लिए हुआ ना सर। कल के डेट में रवि का जो 96 है वो 69 हो जाएगा, तो क्या होगा, कलर चेंज हुआ सर? नहीं हुआ चेंज। अगर ये 15 भी हो जाएगा तो नहीं चेंज हो जाएगा, होगा क्योंकि हमने मैनू इसकी इसका कलर इसकी वैल्यू से कोई लेना देना नहीं। लेकिन मेरे पास तीन कैटेगरी है, पहला है 0 to 40, दूसरा है 41 to 80, तीसरा है ग्रेटर देन। अब तीनों को अलग अलग कलर देना चाहता हूं,
और तीनों की कलर डेटा के हिसाब से अपने आप चेंज भी होता रहे। ठीक है सर, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहां पर लगाएंगे फॉर्मूला कि इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 है तो रिजल्ट शो करो, अदरवाइज ब्लैंक शो करो। सिंपल सा हमने फंक्शन लगा, फिर हमने यहां पे कंडीशन लिया इफ और एंड का, क्योंकि बिटवीन है, हमने बोला कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 होना चाहिए और लेस देन इक्वल टू 80 होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इस वैल्यू को शो करो, अदरवाइज ब्लैंक शो करो। एंटर प्रेस किए और नीचे आ गए। अब आता है यहां पर कंडीशन कि ए अगर ए ग्रेटर देन 80 है तो यहां पे डेटा है, नहीं तो ब्लैंक आ जाए। अब मुझे डेटा को सिलेक्ट करके चार्ट नहीं लगाना है, ठीक है, हम चाहते हैं कि क्योंकि डेटा सिलेक्ट करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम इंसर्ट करते हैं एक ब्लैंक चार्ट। क्या इंसर्ट करते हैं? एक ब्लैंक चार्ट, और इसको हम जाते हैं यहां पे राइट क्लिक सिलेक्ट डेटा ऐड करते हैं। अब इसका हेडिंग देंगे 0 to 40 और यहां पे आके हम अपना 0 to 40 वाला डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, फिर ऐड किया यहां पे 41 to 80 और आप यहां पे सिलेक्ट कर लीजिए 41 to 80 एंड थर्ड लास्ट जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 80 और यहां आप सिलेक्ट कर लीजिए ग्रेटर देन 80। ओके, और एडिट कीजिए, यहां पर नेम सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन चार्ट थोड़ा सा पतला पतला हो गया ना, तो इसकी इसको क्या करते हैं, बूस्टर डोज देते हैं, अभी प्रोटीन डोज देते हैं, शरीर में जाके गैप को कम कर दीजिए। ओवरलैप भी बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, ठीक है, और यहां से देखिए आपके सामने डेटा आ गया। अब देखिए यहां पे अगर मान लीजिए कि मैं करना चाहता हूं ग्रेटर देन 80 वाले को कलर, तो ग्रेटर देन 80 वाले सीरीज को सिलेक्ट किया और इसको कर दिया ग्रीन कलर, और फिर मैं लेस देन 40 वाले को सिलेक्ट किया, इसको रेड कलर करना चाहता हूं तो रेड कलर, और बीच वाले को मैं करना चाहता हूँ येलो कलर, ये रहा हमारा येलो। ठीक है सर, अब देखिए कल के डेट में 32 जो है वो 32 हो जाएगा, मान लीजिए 82, तो 32 किसका है, ओम का, ओम का यहां दिख रहा है, जैसे एंटर प्रेस करेंगे ओम का कलर देखिए आ गया सर, चेंज हो गया, और यहां मान लीजिए 85 था वो 58 हो गया, ये देखिए हो गया येलो कलर सर। तो कंडीशनल कलर इस तरह से आप कर सकते हैं, कई जगहों पे आपसे पूछा भी जाता है और हमें जरूरत भी होती है कंडीशनल कलर देने की। क्लियर है, चलिए हम बात करते हैं ऑटोमेटेड रेंज की, बात करते हैं ये इंपॉर्टेंट, ये ध्यान से देखिएगा सर, रेंज ऑटोमेट करना। जैसे एग्जांपल के तौर पे अभी मैं लीजिए कि मैं 2024 का सेल्स रिपोर्ट बना रहा हूं, चाहे 2023 का ही बना रहा हूं, तो ये आएगा मंथ का और ये आ गया मेरे पास सेल्स, तो मंथ मैंने यहाँ पे जैन किया, फेब किया, मार्च किया, अप्रैल किया, इतना डेटा था तो मैंने रिपोर्ट बना दी। मई का डेटा जो है वो अगले महीने आएगा, मान लीजिए 3-4 महीना 6 महीना पीछे चल रहा है, तो यहां मान लीजिए चार्ट बना। प्रॉब्लम ये है कि मुझे दो तरीके करने पड़ेंगे, या तो
जैसे मैं यहाँ पे मई का डेटा आया और यहाँ पे मैंने टोटल किया, तो मुझे इसको सिलेक्ट करके इसको यहां से नीचे ड्रैग करना, या फिर मैं एक संभावित लोकेशन छोड़ूंगा, ये देखिए ब्लैंक दे देगा, दे दिया ना सर। अब इसको कैसे करें कि ऐसा ना हो, तो उसके आई थिंक दो तरीके हो सकते हैं, एक तरीका तो मुझे पता है, दूसरा तरीका चलिए ट्राई करते हैं, इसको भी टेबल बना देते हैं। टेबल बना दिया और फिर इसके ऊपर करते हैं चार्ट इंसर्ट, ठीक है। अब सीरीज को क्लिक कीजिए, यहां नहीं नहीं फायदा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो टेबल को रीड नहीं किया। मान लीजिए मई की जगह पे जून देते हैं, तो टेबल इंक्रीज हुआ लेकिन एक मिनट हो रहा है, हो रहा है यहाँ पे मई दिए, लेकिन बार बार इस तरह का एरर देगा सर, ठीक है। जब भी बढ़ाइएगा ना आपको एरर देगा, तो हो तो गया बट प्रॉब्लम दिया। प्रॉब्लम क्या दिया कि बार बार एरर। एक काम है कि मुझे पहले ये दिखने हैं फिर भी एरर देगा, कि आप कुछ भी कर लीजिए आपको एरर तो देगा देगा, ठीक है। लेकिन ओके करने के बाद ये आपका सही भी हो जाएगा, टेबल वाला। तो दूसरा सोल्यूशन क्या है जो मैं बराबर यूज करता हूं, वो है फॉर्मूला डिफाइन नेम। तो इसी डेटा को कॉपी करते हैं, दूसरे शीट पे आते हैं, इसको पहले तो टेबल में जाके इसको कर देते हैं कन्वर्ट, नहीं एक नॉर्मल डेटा बना देता हूँ, टेबल हटा देता हूँ। अब चार्ट मैंने लगा ही रखी है, कोई बात नहीं, यहां हम लगाएंगे फॉर्मूला किसका, ऑफसेट। ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया कॉमा 0 रो, ए 1 रो, एक रो और एक कॉलम, और इसकी हाइट जो है वो हमने काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और पूरा रेंज को ले ली, और इसमें से -1 कर दिया, क्यों, हेडिंग है इसलिए। इसी तरह से विड्थ भी मैं 1 ही। इससे क्या होगा कि आप देखेंगे कि पूरा डेटा, क्योंकि तो डेट में डेटा यहाँ चेंज होगा ना, जैसे 67 हुआ, तो देखिए 68 वो काउंट ए जो हमने लगाया हुआ है ना, इसके लिए लगाया हुआ था, अगस्त की जगह सितंबर में आ गया सर, ऑटोमेटिक आ गया। और सेम फॉर्मूला दूसरे तरीके से मैं लगाता हूं यहाँ पे, कि ऑफसेट हमने इसको सिलेक्ट किया और इस बार मैंने रो नंबर 1 किया लेकिन कॉलम 0 कर दिया, और वही हाइट के लिए काउंट ए का फॉर्मूला लगाया और यहां से काउंट ए ले लिया, -1 करेंगे क्योंकि हेडिंग को भी काउंट कर लिया इसने, फिर अगेन विड्थ के लिए 1 ही कर देते हैं। तो यहां आपका देखिए क्या आ गया, आ गया। अब ये ऐसे तो फॉर्मूला डायरेक्ट इंसर्ट नहीं कर सकते, मान लीजिए मैंने पूरा फॉर्मूला उठाया और इसको पहले फ्रीज कर लीजिए, F4 से फ्रीज कर देते हैं, इसको मैंने कॉपी किया और यहां पे आके डायरेक्ट जो हमारा ए C1 करके जो आ रहा है ना, ए वाली ये रेंज, इस रेंज पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर दिया, एंटर मारिए, नहीं, क्यों, क्योंकि आपका चार्ट किसी भी तरह का फॉर्मूला नहीं लेता है, ठीक है सर। तो क्या करें, तो हमारे पास वही होता है डिफाइन नेम। हम डिफाइन नेम पे आएंगे फॉर्मूला मेनू बार के अंदर, और यहां हम दे देंगे सेल्स, SL कर देते हैं SL, और यहां पे उस SL का फॉर्मूला पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब इसमें क्लिक कीजिए, ये आपका सीट में है। अब सीट नेम की जगह, इस सीट नेम के बाद रेंज है ना, उस पर एसएल सेलेक्ट करके एंटर मार, एक्सेप्ट कर लिया सर। यहाँ पे F4 किया, यहां भी F4 किया, और यहां मैंने इसको पूरे डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी किया
और यहां मैं आ गया कहां पे, रिफाइंड नेम। रिफाइंड नेम में इसका नाम एमएम कर देते हैं और इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर देते हैं, दैट ओके। और इसको हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एम एम, एक मिनट, हमने गलत कर दिया, हमने उल्टा कर दिया। इसको यहाँ पे मुझे एमएम करना चाहिए था, क्योंकि ये पहला लेयर एक्सेस होता है ना, और इसको करना चाहिए था एसएस। यस सर, समझ गए, ये ऑटोमेटिक हो गया। अब यहाँ पे मैंने अक्टूबर डाला, यहाँ पे नंबर डाला, ये देखिए ऑटोमेटिक आ गया। मैं यहाँ पे नवंबर डालूंगा, नवंबर का डेट आ गया। और ये बहुत ही जरूरी है डैशबोर्ड की क्लास में, ठीक है सर।